चलिए, तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक आगे का एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है जो ऑलरेडी मैं डिस्कस तो कर चुका हूँ ना, बट इस पर कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को और करवाने वाला हूँ। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है? आइडेंटिटी। तो कई बार पूछ लेता है कि आइडेंटिटी क्या होता है ना, उसको रख के क्वेश्चन में भी रख देगा तो आपको आइडिया होना चाहिए कि अच्छा ये आइडेंटिटी के बारे में बात कर रहे हैं ना। चलिए, तो आइडेंटिटी के बारे में जानते हैं क्या होता है। आई हैव डिस्कस्ड अबाउट इट ऑलरेडी इन माई प्रीवियस वीडियोज, सो आप वहाँ जा सकते हैं, चेक कर सकते हैं, देख सकते हो उस वीडियो को। आई थिंक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब स्टार्टिंग में डील कर रहे थे उस टाइम पे मैंने आपको बताया था। चलिए लिख भी देता हूँ कि अगर आपका ऐसा हो, क्वाड्रेटिक, ये एक आइडेंटिटी कब बनेगा? इसके इसके आइडेंटिटी बनने के लिए क्या कंडीशन होगी, है ना? तो देखिए, इसके आइडेंटिटी बनने के लिए जो कंडीशन होती है वो आपकी ये है, ए इक्वल्स टू बी इक्वल टू सी इक्वल्स टू जीरो। दैट मीन्स द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड द कॉन्स्टेंट टर्म्स मस्ट बी जीरो। तो अगर मैं आपको जनरलाइज करके लिखना चाहूँ कि, चलिए मैं जनरलाइज करके लिख देता हूँ हर एक टाइप के लिए। मान के चलिए ऐसे एक कोई पॉलिनोमियल लिख देता हूँ, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए नॉट एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस, ऐसे ही मेरा कंटिन्यू चलते जा रहा है अप टू ए एन टर्म्स तक। ठीक, तो ये मेरा आइडेंटिटी बनेगा। अब आइडेंटिटी बनेगा, इसके लिए एक और लाइन है ना जो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, उस लाइन को आपको पकड़ना है। ये लाइन एक्चुअल में क्या है, आइडेंटिटी के बारे में ही बताती है ना। जैसे मैंने ये लिख दिया, दिस पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स हैव मोर देन एन डिस्टिंक्ट रूट्स। बस ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप पकड़ के दैट मीन्स आप उस क्वेश्चन को बना दोगे, एन डिस्टिंक्ट रूट्स देन इट इज एन आइडेंटिटी। बस यही है, क्योंकि आपको देखो पता है कि एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, उसकी डिग्री एन है ना, तो उसके कितने रूट हो सकते हैं, मैं अप टू एन रूट्स हो सकते हैं। बट ये क्या बोल रहा है, उसके एन से भी मोर देन रूट्स हैं। दैट मीन्स वो किसकी बात कर रहा है, आइडेंटिटी की बात कर रहा है। ये आपको यहाँ पे देखना है ना। अब आइडेंटिटी के रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी थोड़ा सा डिस्कस कर चुका हूँ, मैं इस पर सीधे आगे चल जाता हूँ। तो इसके लिए कंडीशन क्या निकल के आएगी, अगर ऐसा हुआ तो ये आपकी कंडीशन रहेगी कि सारे के सारे जो कोएफिशिएंट हैं दे ऑल विल बिकम जीरो। अगर ऐसा हो रहा है आपका, दैट मीन्स वो एक आपकी आइडेंटिटी है, अदरवाइज वो आपकी आइडेंटिटी नहीं है। अदरवाइज यू विल गो एज पर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रोसीजर और सम अदर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, चलिए तो अब क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल बना लेते हैं ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए कि अच्छा किस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे डील करना है उसके साथ। तो मान के चलिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, इफ इक्वेशन लाइक इक्वेशन में लिख देता हूँ ए स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस वन एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस थ्री दिस इज इक्वल्स टू जीरो इज सेटिस्फाइड, इज सेटिस्फाइड बाई मोर देन टू वैल्यूज ऑफ ए एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड द वैल्यूज ऑफ ए। इस तरीके का आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, तो आइडेंटिटी के रिगार्डिंग इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो आपको देखो कैसे क्या डील करना है, ये आपको कैसे पता लगेगा कि आइडेंटिटी का क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन को पढ़ोगे आप, दिखने में लग रहा है आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप में है ना, बिल्कुल है, बिकॉज एक्स स्क्वायर एक्स और ये है ना, बट इसके रूट क्या है, मोर देन टू है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैन नॉट बी मोर देन टू, है ना, दो ही रूट होंगे वो हमेशा होंगे। बट इसमें क्या बोल रहा है, इट इज सेटिस्फाइड फॉर मोर देन टू वेरिएबल,
टू वैल्यूज ऑफ ए वेरिएबल, मतलब एक्स की एक दो से ज्यादा वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, तो दो से ज्यादा सेटिस्फाई हो रहा है, दैट मीन्स क्या हो रहा है, दो से ज्यादा रूट बन रहे हैं उसके, दो से ज्यादा रूट बन रहे हैं, दैट मीन्स वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती। तो फिर क्या बचेगा, आइडेंटिटी। अभी मैंने बताया आपको आइडेंटिटी का क्या मतलब हुआ है कि वो एक्स की बहुत सारी वैल्यूज के लिए अगर वो सेटिस्फाई हो रही है, इनफैक्ट आइडेंटिटी का बेसिक मतलब भी क्या होता है कि एक्स की हर एक वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाई होती है तो आइडेंटिटी होती है। तो जब एक क्वाड्रेटिक नहीं है तो ये किसका स्टेटमेंट रिप्रेजेंट हो रहा है, आइडेंटिटी का। ठीक, अब देखिए इसको डील कैसे करेंगे, इसको डील करेंगे इसके साथ। ठीक है, क्या रहता है कि इसके जो भी कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं वो आपके हमेशा क्या होंगे, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, एक्स का कोएफिशिएंट है, और जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो हमेशा क्या होंगे, जीरो होंगे। चलिए तो जीरो बनाते हैं इनको, तो आपका आंसर यहां से स्टार्ट होगा दैट ए स्क्वायर माइनस वन मस्ट बी जीरो। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू वन और ए इक्वल्स टू प्लस माइनस वन, ये तो आपका एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से आया। सिमिलर आप एक्स के कोएफिशिएंट से निकालोगे तो यहां से आपको मिल जाएगा ए इक्वल्स टू वन। सिमिलर वे में आप निकालोगे इससे, ठीक। अब इसको आप ब्रेक कर सकते हो, आई थिंक माइनस थ्री है, माइनस ए प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ए माइनस वन एक तो कोफिशेंट मिल जाएगा और एक ए माइनस ए थ्री मिल जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू जीरो। तो ए इक्वल्स टू आपको मिल गया वन और ए इक्वल्स टू आपको मिल गया थ्री। ठीक, अब देखिए केस कितने हैं, तीन। इधर ए विल टेक वैल्यू प्लस माइनस वन और ए इक्वल्स टू वन और ए इक्वल्स टू वन और ए इक्वल्स टू थ्री। तो क्या करना है अपने को, तीनों केसेस को देखना है और जो कॉमन वैल्यू आ रहा है वो आपका ए का वैल्यू होगा। ठीक है, तो कॉमन वैल्यू ऑफ ए क्या है, ऐसा नहीं है कि आप प्लस भी रख दोगे माइनस भी रख दोगे, क्या रहता है अपन इसको निकालते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, होपफुली फंक्शन चैप्टर में आप ये सब चीजें और डील करोगे अच्छे से। तो किसका निकालते हैं अपन, इंटरसेक्शन। तो कॉमन वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, कॉमन वैल्यू ऑफ ए क्या रहेगा, तो कॉमन वैल्यू ऑफ ए विच सेटिस्फाई ईच कंडीशन, कौन सा है, विच इज ए इक्वल्स टू वन। तो दिस विल बी योर आंसर। तो इस तरीके से आइडेंटिटी क्वेश्चन को आपको आइडेंटिफाई करना है और फिर इस प्रोसीजर के साथ आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये था बेसिक आइडिया अबाउट ए आइडेंटिटी। ठीक है, अब कुछ और इम्पोर्टेंट है वो सब चीज़ें अपन देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, वो आपको क्वेश्चन में डील करने में हेल्प करते हैं आपके। चलिए तो देखते हैं उनको। चलिए देख, हुआ क्या है कि जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देते हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इस क्वाड्रेटिक में अगर मैं ये कंडीशन अप्लाई कर दूं, इफ ए बी सी ऑल थ्री बिलोंग्स टू क्यू, क्यू अपना यहाँ पे क्या है, क्यू इज द रेशनल नंबर, इफ ऑल थ्री बिलोंग्स टू रेशनल नंबर एंड डी, जो कि अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डी क्या अपना डिस्क्रिमिनेंट, डी इज ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए रैशनल नंबर, डी आपका क्या बन रहा है, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, देन द रूट्स आर ए रैशनल, इफ ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू एंड डी इज ए परफेक्ट स्क्वायर, द रूट्स आर ए रूट्स आर ए रेशनल। ठीक, बट चलिए बट इन केस इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, द रूट्स आर ए इरेशनल। देखो कहने का क्या मतलब है, मैंने बता दिया आपको कि ए बी सी ऑल थ्री बिलोंग्स टू रेशनल, ठीक है, और डी आपका एक परफेक्ट स्क्वायर, अगर वो परफेक्ट, देखो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि ये रेशनल नंबर है और डी आपका परफेक्ट स्क्वायर है, तब आपके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रेशनल होंगे।
ठीक, बट इन केस अगर आपका रूट है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तब आपके जो रूट्स आएंगे वो आएंगे इरेशनल। ठीक, ए बी सी कैन बी, ठीक है, रेशनल नंबर। चलिए अब इस पे कुछ क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको बताता हूँ कि ये बेसिकली लाइन बोलना क्या चाह रहा है। चलिए तो विद एग्जाम्पल वी विल डील विद इट। ठीक है, मान के चलिए ये आपको अगर मैं ऐसे कंडीशन दे दूँ, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये बस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, हालांकि इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो एंड, अब देखिए मैंने क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दे दी है, ए बी सी आर ए रेशनल, तो ऐसे आपको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी, तो आपको आइडेंटिफाई करना है ए बी सी आर ए रेशनल नंबर। तब मैं आपको देखिए एक प्रूव करने का क्वेश्चन दे देता हूँ, प्रूव दैट द रूट्स ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, बी प्लस सी माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस ए माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू जीरो आर ए रेशनल। ठीक है, मतलब इसके रूट्स हैं वो रेशनल हैं, कब, जब कंडीशन आपको ऐसी हो या फिर ए बी सी आपके रेशनल हो। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि ये कंडीशन मे भी मैं यूज करूं और नहीं भी करूं, तब भी मेरा हो सकता है बन जाए, है ना। चलिए कोशिश करेंगे, बट जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर इस इन्फॉर्मेशन से अपन जाना चाहें ए बी सी आर ए रेशनल, ठीक है, ए बी सी आपके रेशनल हैं, चलिए ठीक है, तो ये इस इन्फॉर्मेशन अपने पास गिवन है, दैट मीन्स ये अपनी हेल्प करेगी, तो अपने को यूज करना रहेगा इसको। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले ऑब्जर्व करो कि ये तीनों हैं कॉफिशेंट्स, ठीक है, तो ये कॉफिशेंट्स आपके, इनका अगर आप एडअप करने जाओ तो आपको क्या मिल रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आई थिंक मेरे, अगर मैं आपको देखो ऐसे जाना चाहूँ कि ए बी सी मेरे रेशनल हैं, ठीक है, ये मेरे रेशनल हैं, तो मेरे पास जो कंडीशन थी ए बी सी बिलोंग्स टू रेशनल, ये मेरे पास है। अब अगर मैं डी की नेचर पहचान लूँ कि अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो मेरा क्या बन जाएंगे, रूट ही रेशनल बन जाएंगे, बट अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो मेरे रूट क्या रहेंगे, इरेशनल ही रहेंगे। चलिए अब इसको पहचानने के लिए देखो मैं क्या करूँ, वहाँ पे मेरा क्वाड्रेटिक कैसे था, क्वाड्रेटिक मेरा ऐसे था एक्चुअल वाला ना, ये था मेरा एक्चुअल क्वाड्रेटिक, बट इस केस में मेरा देखो इनसे कंफ्यूज मत होना कि ए बी सी का वैल्यू यही है, नहीं, यहाँ पे मेरा जो ए है इस केस में मेरा क्या है, ये बी प्लस सी माइनस ए है, मान के चलिए इसको मैं दे बोल देता हूँ पी। ठीक है, तो अब मेरा जो क्वाड्रेटिक बनना चाहिए वो मेरा ऐसे बनना चाहिए, इसको मैंने क्यू बोल दिया, ठीक है, तो क्यू एक्स प्लस सी, इसको मैं आर बोल देता हूँ, इसको, तो मैंने क्या किया है, लेट बी प्लस सी माइनस ए इक्वल्स टू पी, सी प्लस ए माइनस बी इक्वल्स टू क्यू एंड ए प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू आर। देखिए मैं क्यों एज्यूम कर रहा हूँ ये सब चीज़ें, ताकि मैं ये आइडेंटिफाई कर सकूँ कि ये मेरी जो डिस्क्रिमिनेंट है वो किस नेचर के साथ आ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखिए अब इसमें आप अगर देखने जाओ तो ये आपकी क्वाड्रेटिक कैसे बन गई, ऐसे बन गई, तो आपकी ये क्वाड्रेटिक है अभी, ये मान के चलिए, है ना, ये आपकी एक्चुअली क्वाड्रेटिक बन गई, तो अब इसमें डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालोगे आप, ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा आपका, डी दैट विल बी क्यू स्क्वायर माइनस फोर पी आर। ठीक है, इसका नेचर आपको देखना है, चलिए तो देखते हैं, तो डी इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर माइनस ए फोर पी आर। अब देखिए क्यू की जगह मैं क्या रिप्लेस करूं, देखिए क्या रिप्लेस कर सकता हूं इस साइड वाले, फिर से इसको ऑब्जर्व कीजिए, ये बताइए मैं इन तीनों का अगर मैं सम करने जाऊं तो मेरा क्या बन रहा है, देखिए बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी प्लस ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी माइनस सी,
ठीक है, देखो नेगेटिव ए पॉजिटिव ए कैंसिल आउट, ठीक है, पॉजिटिव सी कैंसिल आउट, पॉजिटिव बी नेगेटिव बी कैंसिल आउट, व्हाट क्या बचा रह गया? द रिमेनिंग पोर्शन इज ए प्लस बी प्लस सी, ठीक। और सरप्राइजिंगली अपने पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसका यूज करना रहेगा। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या गिवन है? जीरो गिवन है। दैट मीन्स क्या बन गया मेरा ये जीरो। दैट मीन्स क्या आ रहा है मेरा पी प्लस क्यू प्लस आर जीरो बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से Q का वैल्यू मैं क्या निकाल सकता हूँ? Q इज इक्वल्स टू माइनस पी माइनस ए आर। ये मैं क्या करूँगा, ये मैं यहाँ पुट कर दूंगा, कहाँ पे? इसकी जगह, ठीक। तो Q की जगह मैं क्या पुट कर दिया? माइनस पी माइनस आर, उसका स्क्वायर माइनस फोर पी आर। ये सब क्यों किया है मैंने? बिकॉज जब मैं उसका स्क्वायर करूंगा तो मेरे को पी आर टर्म मिलेगा ना, और यहाँ पे भी पी आर है, तो कुछ मेरा सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो डी का कुछ नेचर बनता दिखेगा मेरे को, है ना। चलिए देखते हैं कैसे रहेगा। चलिए अब इसको आप देखिए, करने जाओगे, ओपन करने जाओगे तो क्या बनेगा? पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और दोनों ही जगह नेगेटिव है, तो मेरा क्या आएगा? टू पी आर ही आएगा, और माइनस फोर पी आर। तो यहाँ से आपको d क्या मिल गया? देखो 2πr, तो ये बचा रह गया आपका p स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 2 और माइनस फोर से माइनस टू पी आर विल बी द रिमेनिंग पोर्शन। तो d विल बिकम p माइनस आर टू द पावर 2। ये देखिए ये क्या है मेरा, d स्क्वायर है, दैट मीन्स क्या बन रहा है ये एक्चुअल में आपका, ये आपका बन रहा है परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है आपका ये, बन रहा है ना, बिकॉज स्क्वायर है, तो आपका क्या बन गया ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, डी परफेक्ट स्क्वायर है ए बी सी या फिर पी क्यू आर। पी क्यू आर देखो क्या आपके रेशनल नंबर है, पी क्यू आर क्यों रेशनल नंबर है? पी मैंने क्या माना है, ये माना है, ए बी सी मेरा रेशनल नंबर है, ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, देखो होपफुली आप छोटी क्लास से पता होगी, ए बी सी मेरे क्या है रेशनल नंबर है, तो उनका आप ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो वो भी क्या आएगा रेशनल नंबर आएगा, इसलिए पी क्यू आर ऑलरेडी क्या बन गए आपके रेशनल नंबर बन चुके हैं, ठीक है। वो रेशनल है आपका डी परफेक्ट स्क्वायर है। तो अभी जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट में जो लिखवाया फर्स्ट पॉइंट अपना, वो क्या था? यही तो था कि ए बी सी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर एंड डी इज परफेक्ट स्क्वायर, देन द रूट्स विल बी, हेंस रूट्स विल बी रेशनल। अगर मान के चलिए ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता तो मेरे रूट्स क्या आते? परफेक्ट रेशनल नहीं आते, ठीक। इस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चन में डील करना रहेगा, ठीक है। तो क्या चीज ऑब्जर्व करनी है, जो मैंने आपको पॉइंट लिखाया उस हिसाब से आपको क्वेश्चन पे थॉट देना पड़ेगा कि एबीसी अगर रेशनल दिया हुआ है, दैट मीन्स आप अगर सिर्फ डी के लिए जाना चाहो, डी आपका रेशनल आ रहा है तो दैट मीन्स क्या बन गया वो, डी आपका परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है तो सारे के सारे क्या बन जाएंगे, रेशनल नंबर बन जाएंगे। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को डील करना रहेगा। चलिए तो अब भी कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये अपना रहेगा सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अगर मैं आपको ऐसे बोल दूं कि जो क्वाड्रेटिक है उसमें आपके ए बी सी वो रियल नंबर रहे, ठीक है, एंड पी प्लस आयोटा क्यू, ठीक है, इज वन रूट, ठीक है, देन The other root will be, ठीक है, will be या फिर must be, ठीक है, must be the conjugate. Conjugate आपको किस में? Complex number में conjugate आपको लेना पता होगा। क्या होता है कि जो complex number, ये जो imaginary part है उसको negative बना दो, दिस बिकम्स योर कॉन्जुगेट, तो विल बी कॉन्जुगेट एंड वाइस वर्सा मीन्स कि अगर ऐसा है तो ऐसा दूसरा रूट होगा, ऐसा है तो इसका रूट ये होगा, तो वाइस वर्सा, ठीक। तो ये बेसिक सी चीज़ है। अब आपको पता है कि जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे लिखते हैं तो उसमें आपका पी एंड क्यू क्या होते हैं? दे ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है, ठीक है, एंड आयोटा क्या होता है आपका? आयोटा होता है आपका माइनस वन, ठीक। ये सब चीज़ें आप देखोगे।
आयाटा एक इमेजरी नंबर है, इमेजरी दैट मीन्स स्क्वायर रूट में आपका नेगेटिव आ जाए तो आपका वो इमेजरी बनता है, ठीक है। तो अगर ऐसी लाइन लिखी हुई है दैट मीन्स अगर आपका एक रूट पी प्लस आयाटा क्यू है तो दूसरा पी माइनस आयाटा क्यू फॉर श्योर होगा। ये वैसी ही बात है जब आप रैशनलाइजेशन करने जाते हो ना डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का, डिनोमिनेटर में तो क्या रहता है आपका, अगर पी प्लस रूट क्यू हो तो उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, पी माइनस रूट क्यू ही होता है। तो चलिए इस पे कुछ क्वेश्चंस के थ्रू और सॉल्व करते हैं इसको। चलिए तो मैं एग्जांपल लिख दे रहा हूँ कि अपना क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा ये। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इक्वेशन मान के चलिए मैं ऐसे दे देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा एक्स माइनस वन प्लस आयोटा इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज वन प्लस आयोटा देन फाइंड फाइंड द अदर रूट। वापस देखिए मैंने क्या कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे दी। बस सोचो अब इसके बारे में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, एक रूट मैंने क्या दे रखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है वन प्लस आयोटा क्यू इस फॉर्म में दे रखा है, तो अदर रूट क्या होगा आपका, पी माइनस आयोटा क्यू है ना। बट यहाँ पे अपन क्या भूल जा रहे हैं, इस कंडीशन को भूल जा रहे हैं। ए बी सी को चेक कीजिए क्या रियल नंबर है ये, आप देखने जाओ यहाँ पे तो आपका ए रियल नंबर है, बी माइनस आयोटा, आयोटा क्या होता है इमेजिनरी नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स दैट मीन्स ये रियल नहीं है, रियल नहीं है दैट मीन्स क्या होगा, ये वाली कंडीशन इस पे अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। एज तो आप आंसर क्या पुट करोगे, एज एज बी एंड सी भी आपका रियल नंबर नहीं है, बी एंड सी डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, इसलिए ठीक है। सेकेंड रूट इज नॉट इक्वल्स टू वन माइनस ए आयोटा, ठीक है, उसकी इक्वल नहीं है तो किसकी इक्वल होगा, ठीक है। तो मान के चलिए इसको निकाल तो सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि निकाल नहीं सकते, लेट सेकेंड रूट इज इक्वल्स टू अल्फा देन। अब देखिए आपके पास दो अप्रोच है, इधर आप जाओ सम ऑफ द रूट्स और बाय द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है, आपके पास दोनों अप्रोच है, दोनों से आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। बट मान के चलिए मैं अगर सम ऑफ द रूट्स से जाऊं तो मेरा क्या रहेगा ना, सम ऑफ रूट्स क्या रहेगा, माइनस बी बाई ए होता है ना, तो माइनस बी का वैल्यू क्या है, माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा बाई वन, माइनस माइनस से विल बिकम प्लस तो आयोटा, ठीक है, क्यों, क्योंकि माइनस बी बाई ए होता है तो माइनस तो ऑलरेडी अपने पास, और एक नेगेटिव कहाँ से आ रहा है, बी से भी आ रहा है, तो ये आयोटा हो गया। और सम ऑफ द रूट्स है दैट मीन्स एक रूट तो मैं अल्फा मान लिया, दूसरा रूट मेरा एक दिया हुआ है क्या कि वन प्लस ए आयोटा, दिस इज इक्वल्स टू आयोटा, द आयोटा एंड आयोटा विल बी कैंसल आउट, द रिमेनिंग विल बी द वैल्यू ऑफ द रूट, तो अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस सी वन। तो ऐसे आपको इसका रूट ही फाइंड आउट करना रहेगा, ठीक है। तो जरूर याद रखना कि कंडीशंस को मत भूल जाना, कंडीशन भूल गए तो वहीं पे दिक्कत होना स्टार्ट ही हो जाएगी। चलिए तो कुछ कुछ क्वेश्चंस और बनाते हैं इसी पे, मतलब इसी प्रॉपर्टी बेस्ड पे मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस और करवा देता हूँ। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी द क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड ऑल रूट्स ऑफ द इक्वेशन
अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, क्वाड्रेटिक के अलावा आपको कुछ कंडीशन दे रहा हूँ। फाइंड ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अगर मान के चलिए ये इक्वेशन रख दी मैंने, एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x³ माइनस 16x² माइनस 22x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, इफ वन रूट इज 2 प्लस ए रूट ए 3। ठीक है, तो अपना देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड ऑल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। देखिए कौन सी इक्वेशन है ये, बाई क्वाड्रेटिक है, दैट मीन्स इसके कितने रूट होंगे, 4 रूट्स होंगे। बट अपने को किसके बारे में आइडिया दिया हुआ है, सिर्फ एक ही रूट के बारे में आइडिया दिया हुआ है, दैट इज 2 प्लस ए रूट ए 3। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि पीछे अपना आ रहा था इमेजिनरी नंबर, बट इसमें अपना इमेजिनरी नंबर नहीं दिया हुआ। इसमें अपने को क्या दे रखा है कि एक आपका नंबर दे रखा है, क्या रेशनल प्लस इरेशनल का सम दे रखा है उसने ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, उसके लिए अपना रहेगा प्रॉपर्टी नंबर 3। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये देखिए क्या बोलता है, इफ सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बेसिक लिखा हुआ उसी पे चल रहा है सब कुछ अपना ना, इफ ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, ठीक है, एंड पी प्लस रूट क्यू इज वन रूट देन द अदर रूट मस्ट बी द कॉन्जुगेट। ठीक है, कॉन्जुगेट बोल दो या फिर मैं बोल दूं कि रेशनलाइजिंग फैक्टर भी बोल सकते हो आप। ठीक है, सेम काइंड ऑफ थिंग्स रहता है ना, क्योंकि इससे क्या होगा आपका कि बताता हूँ अभी कि कंडीशन क्या गिवन है आपको और क्या आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, ऑब्वियसली बात है कि अगर ये है तो वो हो सकता है, ये है तो ये हो सकता है, वाइस वर्सा। अब पी क्या है, यहाँ पे पी इज रेशनल और इसको रूट के अंदर जो भी ये आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, जो कि रूट क्यू लिखा वो आपका क्या होता है, सर्ड। ठीक है, रूट क्यू आपका क्या है, एक सर्ड है। तो ये आपकी कंडीशन है, दैट मीन्स ये क्या बोलना चाह रहे हैं, अगर पी प्लस रूट क्यू आपका एक रूट है तो पी माइनस रूट क्यू आपका अदर रूट होगा, कब, जब ए बी सी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, अगर ये रेशनल नंबर नहीं है तब आपका वो नहीं ही होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन जरूर चेक करना। अब चलिए, अब देखिए इसमें मैंने क्या रख दिया, इसमें मैंने बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन रख दी। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक रख दी तो क्या हुआ, अपना इसमें देखिए हर एक आपका जो नंबर आ रहा है, ऑल कोफिशिएंट्स वो सारे के सारे क्या हैं, रियल हैं, सब के सब रियल हैं। ठीक है, तो ओबियस सी बात है कि सारे के सारे जब रियल हैं तो आपके जो, ठीक है, रियल है दैट मीन्स सब के सब आप देख सकते हो कि रेशनल भी है, रेशनल है तो आपका अगर एक रूट है आपका पी प्लस रूट क्यू है तो एक जो दूसरा रूट है वो पी माइनस रूट क्यू होगा। तो दो रूट के बारे में तो अपने को आइडिया है, पहला गिवन है, दूसरा क्या होगा इससे प्रॉपर्टी से निकल जाएगा, तो दो रूट आ गए, बाकी दो रूट अपने को और फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको डील करना हो तो कैसे डील करोगे वो देखिए अभी। तो अपना आंसर्स क्या रहेगा इसके पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए, सबसे पहले चेक करो ऑल कोएफिशिएंट्स, वो सब के सब क्या है, रियल बोल दो या फिर रेशनल है। ठीक है, रेशनल है दैट मीन्स अपनी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो एक रूट आपका 2 प्लस रूट 3 है इफ वन रूट इज 2 प्लस रूट 3 देन द सेकेंड रूट विल बी और मस्ट बी 2 माइनस रूट 3। ठीक है, तो ये क्या बता दिया, अपने पास कितने रूट आ गए, पहला रूट दूसरा रूट दो रूट आ गए, अब बचे हैं अपने पास दो रूट और। ठीक है, तो दो रूट आ गए, अब इन दो रूट से देखिए क्या कंडीशन निकल सकती है, पहला रूट आपका क्या हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको वापस फैक्टराइजेशन के टर्म में लिखना चाहूँ तो आप खुद सोच के देखना कि अगर ये 4 डिग्री का है ना, तो दैट मीन्स इसके 4 फैक्टर आएंगे,
ठीक है, तो वो चारों फैक्टर का क्या एक्चुअल में ये मल्टीपल ही तो है, तो दैट मीन्स उसमें से दो फैक्टर अपने पास ऑलरेडी आ चुके हैं। कौन से दो फैक्टर हैं? ये वाले, एक तो इससे कौन सा फैक्टर बनेगा? ये बनेगा, और इससे कौन सा फैक्टर बनेगा आपका? ये फैक्टर बनेगा। तो ये आपके दो फैक्टर आ गए इस बाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के। ठीक है, अब ये अगर आ गए तो अब इनको देखिए, अगर इन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट निकालने जाऊं तो मेरा क्या बताएगा? ठीक है, फिर बता दे रहा हूँ, बाई क्वाड्रेटिक है दैट मीन्स इसके कितने फैक्टर होंगे? चार फैक्टर होंगे। जैसे क्वाड्रेटिक को आप लिखते हो ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज इक्वल्स टू ए टाइम्स एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा। बता देता हूँ, देखिए ये इसी के तो इक्वल है, ये और ये क्या सेम नहीं लिखा था मैंने? आपको नहीं बताया था कि ये दो फैक्टर की इक्वल होती है? ऐसे ही अगर यहाँ पे आपका 4 डिग्री में है तो क्या होगा आपका? ऐसे आपके दो फैक्टर और आ जाएंगे। ठीक है ना, मतलब आप मल्टीपल फैक्टर्स के मल्टीपल में लिख सकते हैं ना, तो वैसे ही मैं क्या कर रहा हूँ, इन दो का मल्टीपल कर रहा हूँ ताकि मेरे को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए। ठीक है, चलिए, तो प्रोडक्ट ऑफ, इसको मैंने फर्स्ट बोल दिया है और उसको मैं सेकंड बोल चुका हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड रूट्स। ठीक है, वो क्या रहेगा? एक्स माइनस 2 माइनस रूट 3 और एक्स माइनस 2 प्लस रूट 3। चलिए अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखो क्या बनना है, x माइनस 2 बीच में नेगेटिव साइन है, √3 पॉजिटिव साइन है, √3, ये क्या बन गया आपका? ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला फॉर्मूला बन गया। वो क्या होता है? ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होपफुली आपको ये पता होगा। चलिए अब इसको ओपन कर दो, तो यहाँ से किसके इक्वल आएगा? एक्स स्क्वायर +4 -4x और -3। तो यहाँ से आपको क्या मिल गई? क्वाड्रेटिक, जो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो मिल गया आपको। वो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर -4x + 1, ये आपको एक ही प्रोडक्ट मिल गया। तो प्रोडक्ट मिल गया दैट मीन्स क्या हो रहा है आपका, ये वाला x की पावर 4, ये वाला, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ये जो अभी मेरे को आया उसका और एक कोई और फैक्टर उसका मल्टीपल होगा ना, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि आपका क्या था फैक्टर? ये था आपका x की पावर 4 + 2x³ - 16x² - 22x + 7, ये था ना। तो दैट मीन्स क्या हो रहा है, इसका वो क्या लिख सकता हूँ, ये वाला जो मेरा आया प्लस एक और मेरा, देखो क्वाड्रेटिक आ गया, क्वाड्रेटिक यहीं पे आना चाहिए, तो उसको मैं लिख देता हूँ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मेरे को फाइंड आउट करना है जिससे मेरे को बाकी दो रूट और मिल जाएंगे। तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स मैं क्या करूँगा, इसको इससे अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो मेरे को मिल जाएगा। या तो एक अप्रोच ये हो सकती है कि आप डिवीजन करो, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से निकाल लेना। ठीक है, या फिर आप क्या करो, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसकी जगह एक ऐसा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आएगा जिसको इससे मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाए। तो देखिए वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या बन सकता है मेरा, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, मेरे को क्या चाहिए? x की पावर 4, तो मैं यहाँ क्या कर दूँ? एक्स स्क्वायर, तो ये देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर x की पावर 4 मिल रहा है मेरे को, मिल रहा है। यहाँ देखो ये बन गया अपना -4x³, जबकि मेरे को तो चाहिए +2x³। ठीक है, तो मेरे को प्लस चाहिए जबकि यहाँ मेरा बन रहा है -4x³, तो उसको हटाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, प्लस में करना पड़ेगा, कितना? 6। ठीक है, और एक्स करूँगा, ठीक है, एक्स क्यों करूँगा, देखो इससे तो क्या आएगा मेरा, -4x³ आएगा। ठीक है, -4x³, और इससे मेरा क्या आएगा, 6x³, कितना बन जाएगा, +2x³ आ गया। तो ये सोल्व हो गया, ये सोल्व हो गया। चलिए इसको और इसको मल्टीप्लाई करूँगा, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, मेरे को कितना चाहिए, -16x² चाहिए। ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या आए, -16x², तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ कि मेरा ये बन जाए? तो देखिए यहाँ से x² आएगा +6x + अगर मैं 7 कर दूँ तो आई थिंक मेरी बात बन सकती है। देखिए कैसे,
ये आएगा एक्स स्क्वायर और 7x स्क्वायर, दैट टू विल बिकम 8x स्क्वायर, ठीक है। बट यहाँ से मेरा क्या बनेगा, 24x स्क्वायर, बट नेगेटिव साइन, तो 24 नेगेटिव है और देखिए एक्स स्क्वायर और 7x स्क्वायर, 8x स्क्वायर मेरा पॉजिटिव है, तो टोटल विल बिकम 16x स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल हो गया, अब यहाँ पे देखिए इसका इसका हो गया, इस ये बन गया मेरा 6x, ठीक है। मेरे को कितना चाहिए, -22x, तो अब देखिए इसको और इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना बनेगा, 28 प्लस 6x बन गया ना -22x, और लास्ट में 7, तो ये पूरा बन गया। दैट मीन्स मेरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या है, ये है, इसके मेरे को रूट फाइंड आउट करने हैं अब, ठीक है। तो एक्स इसके रूट कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ मैं, श्रीधर आचार्य मेथड लगा देता हूँ मैं सीधे ही, फोर इंटू सेवन दैट विल बिकम 28/2, ठीक। अब इसको आप सॉल्व करो, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बनेगा -3 प्लस माइनस, देखिए बाहर क्या आ सकता है, 7 × 4 है ये, है ना, और ये 9 × 4 है, तो रह जाएगा √2, तो -3 प्लस माइनस √2, ठीक है। इस तरीके से आपके बाकी तीन रूट कौन से आ गए, वहाँ से निकाला था अपन ने 2 - √3, यहाँ से क्या आ गया, -3 प्लस √2 और -3 - √2, ये आपके अदर थ्री रूट्स हैं, देख पा रहे हो आप। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को डील करना रहेगा इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी पूछेगा आपसे। तो चलिए तो एक क्वेश्चन और बेसिक सा देख लेते हैं कि किस टाइप से पूछता है ना, तो ये आपका 5th नंबर क्वेश्चन है, इफ वन रूट ऑफ दी इक्वेशन x²-√5x-19 = 0 इज 9 + √5/2, then the other root will be 9 + √5/2, ठीक है। अब आपका आंसर होगा 9 + √5 है तो 9 - √5/2 होगा ना, बट नहीं, अभी मैंने आपको बताया कंडीशन जरूर चेक करना ना, ऐसे ही मत भग जाना आप लोग, है ना, बस यहीं पे गलती करते हैं अपन। कंडीशन क्या लिखा है मैंने, ए बी सी मस्ट बिलोंग्स टू क्यू, देखिए क्या ए बी सी आपका क्यू से बिलोंग कर रहा है इस केस में। √5 आपका क्यू नहीं है, ये आपका इरेशनल नंबर है, इरेशनल है, दैट मीन्स क्या हुआ आपका, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ ना इसे आंसर में, आप क्या लिख सकते हो, एच बी डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू, ठीक है, इसलिए अदर रूट कैन नॉट बी 9 - √5/2, ठीक है, इसके इक्वल नहीं होगा, तो किसके इक्वल होगा, वापस उसी प्रोसेस से फाइंड आउट करोगे, एक रूट दिया हुआ है तो इधर यू कैन गो बाई सम और बाय द प्रोडक्ट ऑफ द टू रूट्स, ठीक है, तो आप किसी से भी जा सकते हो। तो मान के चलिए अगर आप सम से ही जा रहे हो, सम ऑफ रूट्स, इस केस में आपको सम और रूट्स क्या मिलेगा, नेगेटिव है तो सिर्फ √5 आएगा, ठीक है, एक का वैल्यू पॉजिटिव है, अब रख दीजिए सेकंड रूट मान लीजिए अल्फा है, फर्स्ट रूट आपका क्या है 9 + √5/2 है और ये आपका √5 है। अब इसको सोल्व करना आपको बस, तो देखिए क्या आ जाएगा, 2α + 9 + √5 = 2√5, ठीक है, तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल्स टू आ जाएगा √5 - 9/2, ठीक है, तो ये आपका रूट होगा ना कि ये, ठीक है, देख रहे हो सिर्फ नेगेटिव का डिफरेंस आ गया ना। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा क्वेश्चन में आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को डील करना जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिले और इन प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग।